गोंडा जिले में लालच देकर पुराने जेवर और बर्तन बदलने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ दिया है। पुलिस ने ठगी करने वाली दो महिलाओं को गिरफ्तार कर उनके पास से 10 लाख रुपए बरामद किए। मामला उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां पुराने टूटे फूटे जेवर और बर्तन बदलकर नए जेवर व बर्तन देने के नाम पर लालच देकर ठगी कराने वाली महिलाओं का गिरोह ने गाँव की कुछ महिलाओं को अपना शिकार बनाया और यह गिरोह गाँव गाँव जाकर हेराफेरी और ठगी को अंजाम दे रहा था, जिसकी सूचना पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर को मिली। पूरे मामले को लेकर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार हुई दोनों महिलाएं रांची जिले के झारखंड प्रदेश की रहने वाली है। गोंडा से तुफेल खान की रिपोर्ट। और जनपद गोंडा थाना मोतीगंज पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मोतीगंज की पुलिस ने सीओ सदर हमारे जनपद में तैनात सुश्री शिल्पा वर्मा उनके नेतृत्व में जो है दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है जो रांची झारखंड की रहने वाली हैं। इनके द्वारा जो है अभी 2 दिन पहले थाना मोतीगंज के विद्यानगर में कुछ पुराने बर्तन दे करके नए बर्तन दिए गए थे। बाद में लालच दे करके कि पुराने जेवर लेकर के नए जेवर करने का लालच दिया गया था और बहुत सारे जेवर उनसे ठग लिए गए थे कि सुरागरसी पतारसी करके आज इन दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है।